Welcome to the next lecture. We are talking about motion planning for a quadrotor UAV, and we were talking about how we can create various trajectories for a quadrotor UAV, and specifically we were talking about how we can create an optimal trajectory or optimal x of t for our quadrotor. So today we will be figuring out how we can create a minimum jerk trajectory, and we know that jerk is the third derivative of position. तो गोल हमारा x of t which is our trajectory इसको डिजाइन करने का है और x of t वो होना चाहिए which is the most optimal one और x of t again curve को शो करेगा means it will be a path from one point to another point and there could be a lot of curves from one point to other point and we will select that curve which is the most optimal one. तो यहाँ पे हमारे पास जर्क क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जर्क इज द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन और इसमें हम कॉस फंक्शन जो लेंगे उसमें हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव होगा पोजीशन का. इट विल डिपेंड आल्सो ऑन द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन एंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड पोजीशन इटसेल्फ एंड आल्सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एज वेल. तो यहां पे हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस हैं. वो बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी हैं? एक हमारी ये एक्स पोजीशन को शो कर रही है, ये एक्स पोजीशन को शो कर रहा है और एक्स एट जीरो विल बी इक्वल टू ए एंड एक्स एट कैपिटल टी विल बी इक्वल टू बी एंड दीज बाउंड्री कंडीशंस आर फॉर पोजीशन. एक्स इज शोइंग द पोजीशन, पोजीशन एट टाइम जीरो एंड पोजीशन एट टाइम टी एंड वी हैव स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट नंबर्स ए एंड बी. सो वी हैव डिफाइंड टू बाउंड्री कंडीशंस ऑन द पोजीशन. तो यहाँ पे ये वही हमारी इक्वेशन है, इसमें हमारे पास ये हमारा फंक्शन है विच इज द इंटेग्रल ऑफ अ कॉस्ट फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन को हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है विच इज सिंपली द स्क्वायर ऑफ द जर्क और ये एक्स ऑफ टी ए पोजीशन को कनेक्ट करेगी बी पोजीशन के साथ. तो अगर हम इस एक्स ऑफ टी को ऑप्टिमल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूलर लैग्रेंज इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा. तो ये इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखी थी और इस इक्वेशन के मुताबिक डिफरेंट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं. तो इसमें हमारे पास हमने इस तरह लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है पोजीशन का, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है और पोजीशन के साथ भी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं. बट अगर कॉस्ट फंक्शन इज सिंप्लीफाइड फंक्शन एंड वी हैव ओनली अ जर्क टर्म इन इट एंड वी विल ओनली कंसीडर that partial derivative which is with respect to the jerk and the rest will be equal to zero. तो ये हमारे पास जो left block है ये सारा मतलब अगर हम इसी cost function का derivative acceleration के हिसाब से लेंगे तो वो भी zero हो जाएगा और इसी cost function L का अगर derivative हम velocity के हिसाब से लेंगे वो भी zero हो जाएगा और position के हिसाब से भी इस jerk का derivative zero होगा. तो सिर्फ ये वाली term हमारी non zero होगी और इसमें हमारे पास अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, इस एल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स क्यूब लें तो ये हमारे पास टू एक्स ट्रिपल डॉट आ जाएगा और उसका अगर हम टाइम के हिसाब से फिर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास एक्स का छठा डेरिवेटिव आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो. दिस इज जस्ट लाइक कंटिन्यूअल वी हैव फॉलोड इन प्रीवियस लेक्चर. वहां पर डिटेल के साथ इसको सॉल्व करना सिखाया गया है. After solving above Lagrange equation, we have this sixth order differential equation. और अगर हम इस sixth order differential equation को solve करें, then we get the solution x of t are simply written in x and which is the function of time. और हमारे पास right side पे ये fifth order polynomial है और इसमें छह coefficients हैं. Our next task is to solve this equation x of t for these coefficients. And in order to solve these coefficients, we need some boundary conditions. We already have defined some of the boundary conditions and those are for position A and B. Means at time is equal to 0, our position is equal to A and when we will reach at our goal point at time is equal to capital T, then our final position will be equal to this constant B. One thing to notice here is that we have only defined two boundary conditions and that is only for position. But if we want to solve these six coefficients, we need some other boundary conditions. In other words, अगर हम इन छह coefficients को solve करना चाहते हैं तो हमारे पास छह boundary conditions होनी चाहिए. अब तक हमारे पास सिर्फ जो हमने define की हुई है वो दो ही boundary conditions है, वो है position की boundary condition जो कि time zero पे है और time at capital T पे है. तो हम इन coefficients को solve करने के लिए कुछ additional boundary conditions खुद से इस पे apply करेंगे. Means हम
टाइम इज इक्वल टू जीरो पे अपनी वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरह एट टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी उस पर भी हम अपनी वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमने जीरो ले ली हुई है। तो इस तरह वेलोसिटी की बाउंड्री कंडीशंस ऐड होके हमारे पास टोटल बाउंड्री कंडीशंस चार हो गई हैं, लेकिन चार बाउंड्री कंडीशंस इन छह कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए अभी भी नाकाफी हैं। तो हम मजीद दो बाउंड्री कंडीशंस ऐड कर लेते हैं जो कि एक्सप्लेनेशन की है। हम अपने टाइम इज इक्वल टू जीरो पे एक्सप्लेनेशन डिफाइन कर लेते हैं और टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी पे एक्सप्लेनेशन की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन की जीरो ली है और फाइनल एक्सप्लेनेशन की वैल्यू भी जीरो ली है। हम ये वैल्यू जीरो के अलावा भी रख सकते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि फाइनल पॉइंट पे या एक फाइनल पॉइंट पे जब हमारा क्वाड्रेटर पहुंचेगा वहां पे वेलोसिटी जीरो की बजाय कोई स्पेसिफिक नंबर हो तो हम वो नंबर भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा ये हमारे कोएफिशिएंट्स उस हिसाब से आएंगे और फिर उस हिसाब से हमारा ये पॉलीनोमियल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। After putting all these things together, we will get these matrices. How we have arrived to these matrices, we can see this in the supplementary material where these things have been solved explicitly. And now let's switch to the supplementary material. So the title of the supplementary material is Solving for Coefficients of Minimum Jerk Trajectories. So here this is the similar equation which we have reviewed in our main slides. This is our next slide और इसमें ये वही boundary conditions है जिनकी अभी हमने अपनी main slide के ऊपर बात की है, और हमारे पास छह boundary conditions है और छह boundary conditions हमें छह coefficients को solve करने के लिए चाहिए। So these are the minimum boundary conditions that we need to solve these coefficients, और इससे ज़्यादा boundary conditions भी हम apply कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x of t में इस टाइम को इक्वल टू जीरो रखेंगे। जब हम ये टाइम इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये सारी टर्म हमारी जिसके साथ ये टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारी जीरो हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ c नॉट बचेगा। तो c नॉट विल बी इक्वल टू k, दिस k इज ऑलरेडी डिफाइंड। हमें पता है कि टाइम जीरो पे हमारी जो पोजीशन है दैट इज इक्वल टू k, सो वी कैन पुट आवर दिस ऑप्शन c नॉट इक्वल टू k। तो उसके बाद हम टाइम इक्वल टू t पुट करेंगे, तो ये कैपिटल t हमने पुट किया तो ये स्मॉल डी रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल टी के साथ। तो इसमें हमें पता है कि हमारी ये इक्वेशन एक्स ऑफ कैपिटल टी इज इक्वल टू बी। सो हमने अपनी दो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर ली हैं और उससे हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं। इसी तरह हम अपनी अगली बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो दो इक्वेशंस हमें मजीद मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे उसने इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना बताया हुआ है, मतलब हम इस इक्वेशन को सिंपली एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह आप इसमें देखेंगे हमारे पास 1x6 डायमेंशनल वेक्टर है एंड दिस इज आवर 6x1 डायमेंशनल वेक्टर। इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस और दीज टू वेक्टर्स तो ये C5 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, और इसी तरह अप टू C1 ऑल टर्म्स विल बिकम इक्वल टू जीरो। सिर्फ ये हमारा सी नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा और दिस विल बी इक्वल टू ए। तो this is how we can convert our equation into matrices form or vectors form. Next slide में वही चीज बताई हुई है कि ये सारे coefficients जो कि encircled हैं वो इन zeros के साथ multiply होकर zeros हो जाएंगे और सिर्फ इस one के साथ जो coefficient multiply होगा वो बचेगा। ये हमारी second equation थी, तो इस equation को भी हम vector form में या matrices form में लिख सकते हैं। तो यू कैन सी कि अगर हम इस C5 को मल्टीप्लाई करें इस T5 के साथ तो हमारे पास ये पहली टर्म आ जाएगी C5 इंटू टी रेस टू द पावर 5। और सेम इसी तरह अगर हम इन सारे कोएफिशिएंट्स को इन टाइम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इंडिविजुअल टर्म्स आ जाएंगे, और हम जानते हैं कि ये हमारी बी के बराबर है विच इज ऑल्सो पोजिशन आर आवर फाइनल पोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो वेलोसिटी की बाउंड्री कंडीशंस हैं, तो हम चूंकि वेलोसिटी के अंदर तो हमें उसके लिए हमारी हमारा जो एक्स ऑफ टी था उसका पहला डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा। तो हमारा जो एक्स ऑफ टी था उसका हमने पहले उसका हमने पहला डेरिवेटिव ले लिया यहाँ पे विच इज इक्वल टू दिस टर्म विच इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसमें अगर हम टाइम इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इसमें टी को हम जीरो पुट कर दें तो हमें बताया कि एक्स डॉट एट टाइम इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ भी ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, टी चूंकि जीरो पुट किया हमने, और ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये एक कोएफिशिएंट बचेगा विच इज C1 एंड दिस C1 विल बी इक्वल टू जीरो, और ये जीरो हमने यहाँ से उठाया
जो कि हमारी बाउंड्री कंडीशन है। और इसी तरह अगर हम इस वेलोसिटी इक्वेशन के अंदर कैपिटल टी पुट करेंगे तो इस स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी आ जाएगा और ये इक्वेशन हमारी जीरो के बराबर इसलिए होगी क्योंकि हमने डिफाइन की हुई है बाउंड्री कंडीशन की हमारी वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे या गोल पॉइंट पे जीरो होगी एट टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो उसमें जब कैपिटल टी हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन या हमारा ये जो पॉलीनोमियल है दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो। तो हमने वेलोसिटी की दोनों जो बाउंड्रीज थी वो हमने पुट कर दी अपनी इक्वेशन के अंदर, तो इन बाउंड्रीज से अगेन हमें दो मजीद इक्वेशन मिल गई और इन इक्वेशंस को हम वेक्टर फॉर्म में या मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही तरीका जो हमने पहले देखा है उसी तरीके से हम इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिया है। आप इंडिविजुअल अगर इस मैट्रिक्स इस वेक्टर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सेलरेशन की बाउंड्री कंडीशन और हमारे पास जो एक्स ऑफ टी था उसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये राइट साइड पे टर्म वाली आ जाएगी। इसमें हम टाइम इज इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो सारी टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ये टू सी टू बचेगा विच इज इक्वल टू अगेन जीरो एंड दिस जीरो कम्स फ्रॉम दिस बाउंड्री कंडीशन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो। और सेम उसी तरीके से हम टाइम इक्वल टू कैपिटल टी जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जहाँ पे स्मॉल टी है यहाँ कैपिटल टी आ जाएगा और दिस इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू जीरो एंड दिस कम फ्रॉम दिस जीरो। नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज रिपीट की हुई है कि हम किस तरीके से अपने इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास टोटल छह इक्वेशन आ गई, सो दिस सिक्स इक्वेशन आर इनफ टू सॉल्व दिस सिक्स कोएफिशिएंट्स। तो ये जो हमारी मेन स्लाइड थी उसपे ये मैट्रिसेस इस तरीके से आए हुए थे। तो नाउ वी नो दैट हाउ वी कैन अराइव टू दीज मैट्रिसेस, सो नाउ वी कैन सॉल्व इजीली दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, सो वी कैन सॉल्व दीज इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स। हियर वी हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल इन विच वी हैव टेकन आवर इनिशियल टाइम इक्वल टू जीरो एंड आवर फाइनल टाइम कैपिटल टी इज इक्वल टू वन और हमारी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे जीरो है और फाइनल पोजीशन हमारी फाइव है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है और इसी तरह एक्सेलरेशन भी हमारा इनिशियली और फाइनली जीरो होगा। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम उस मैट्रिक्स के अंदर पुट करें तो हमारे पास जितनी भी अननोन चीजें थी वो सारी हमारी या तो कॉन्स्टेंट्स हैं या जीरो है, तो हमारे पास ये कोएफिशिएंट्स बचे हैं विच आर स्टिल अननोन, सो वी कैन फाइंड दीज कोएफिशिएंट्स। So now we can find these unknown coefficients. So for that we have to invert this 6 cross 6 matrix. So अगर हम इस matrix को invert करके side पे ले जाएं जिस तरीके से ये यहाँ पे इसने शो भी किया हुआ है तो हमारे पास इस matrix का inverse आ जाएगा और अगर हम इसको solve करें तो हमारे पास ये solution आएगा। C5 will be equal to 30, C4 will be equal to minus 75 and C3 will be equal to 50. While C2 is equal to 0, C1 will be equal to 0 and C0 will be equal to 0. तो ये सारे कोफिशियंट हमारे सॉल्व हो गए। इन वैल्यूज को अगर हम अपने एक्स ऑफ टी के अंदर अगर पुट करें तो हमारे पास एक ऑप्टिमल पाथ आ जाएगा या ट्रेजेक्टरी आ जाएगी एक्स ऑफ टी विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो कि इस राइट एंड पे जो हमारे पास टर्म है इसके बराबर होगी विच विल कनेक्ट द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड दिस विल बी आवर मिनिमम जर्क ट्रेजेक्टरी। तो ये सारी चीजें हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे टाइम इक्वल टू जीरो पुट करें तो हमें पोजीशन जो हमारी टाइम जीरो पे पोजीशन है विच इज जीरो वो हमें मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम टाइम वन पुट करेंगे तो हमारी फाइनल पोजीशन विच वाज फाइव मिनट्स वो हमें मिल जाएगी। और अगर हम उसी एक्स ऑफ टी का डेरिवेटिव ले लें दिस वाज आवर एक्स ऑफ टी अगर हम इसका पहला डेरिवेटिव ले लें तो दिस विल बिकम एक्स डॉट टी और ये इसके बराबर होगा और इसमें एक्स डॉट टी के अंदर अगर हम जीरो पुट करें तो हमें जीरो मिलेगी मतलब हमारी टाइम जीरो पे जो वेलोसिटी है वो जीरो थी हमारी तो जीरो आ गई और इसी तरह टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड पर जो हमारी वेलोसिटी है वो भी जीरो है जो कि हमारी बाउंड्री कंडीशन में भी जीरो है। सो वी कैन वेरीफाई ऑल आवर बाउंड्री कंडीशन बाई अडॉप्टिंग दिस मेथड।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे उसने उसका सेकंड डेरिवेटिव लिया है, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, और टाइम जीरो पे भी एक्सेलरेशन जीरो था हमारा, और इस तरह टाइम जीरो वन सेकंड पे भी हमारी बाउंड्री कंडीशन एक्सेलरेशन भी जीरो थी, विच हैज बीन वेरीफाइड हियर। सो लेट्स स्विच बैक टू आवर मेन स्लाइड्स। ये हम देख चुके हैं किस तरीके से हम इन कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर सकते हैं और फिर उससे हमें हमारी ऑप्टिमल ट्रैजेक्टरी किस तरीके से मिलती है। तो अगर हम इस एक्स ऑफ टी को ड्रॉ करें और इसमें हमने इनिशियली जो इनिशियल हमारी पोजीशन है उसको हमने जीरो रखा हुआ है और फाइनल पोजीशन को हमने वन रखा हुआ है और टाइम हमने 50 यूनिट्स लिया हुआ है, तो हमारी ट्रैजेक्टरी उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगी। You can see at time is equal to 0, our position is 0, at time is equal to 50 units, which is capital T, and here we have our final position which we have defined is equal to 1, or in our final position which is 1, we will reach there. So, if we take x of t as derivative, then we will get the velocity which is a bell-shaped curve, and if we take the derivative of this velocity, then we have acceleration of the curve which is sinusoidal. We can clearly see that our boundary conditions have been met. From this velocity graph, we can see that at time is equal to 0, our initial value of the velocity is also 0. And when our time is equal to 50 units, which is our final time, our velocity is again 0. And acceleration at starting point is 0 and at final point it is 0 as well. We can extend our trajectory generation mechanism to multi-dimensional problem. But अगर हमने अपने quadrotor को 3D के अंदर move करवाना है तो उसके लिए हमें x of t भी चाहिए, उसके लिए हमें y of t भी चाहिए, और उसके लिए हमें z of t भी चाहिए, और इसके अलावा हमें पता है कि हम yaw motion को भी describe करते हैं कि what is our desired yaw motion, तो उसके लिए भी हमें trajectory को generate करना है। तो इस तरह हमारे पास x of t, y of t और z of t और उसके अलावा u of t के लिए अलहदा हमें ये ट्रैजेक्टरीज को कंप्यूट करना पड़ेगा। बट हियर वी हैव ओनली कंसिडर्ड x of t एंड y of t। ऑप्टिमल ट्रैजेक्टरी फाइंड करने का तरीका वही है जो हमने पहले देखा है, बट अब हमारे पास x of t के अलावा y of t भी है और हमारा cos फंक्शन x के अलावा y पे भी डिपेंड करेगा, और हमारी यूलर लैग्रेंज इक्वेशन पहले सिर्फ x के लिए थी, अब हम उसको y के लिए भी लिखेंगे। अगर हम प्लेनर मोशन के लिए मिनिमम जर्क ट्रैजेक्टरी को जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास x स्टेट का थर्ड डेरिवेटिव होगा और उसका स्केयर होगा, दिस विल बी आवर cos फंक्शन, और इसी तरह y स्टेट का जर्क उसका स्केयर, दिस विल बी आवर cos फंक्शन, और ओरिएंटेशन जो हम उस प्लेनर के अंदर डिफाइन करेंगे उसका थर्ड डेरिवेटिव होगा और उसका स्केयर भी होगा। So we will have three different terms in our cos function. और ये minimum jerk trajectory right hand side पे जहाँ मेरा cursor point कर रहा है वहाँ पे इसको show किया गया। This is our start position with orientation and this is our goal position with desired orientation. तो इस तरीके से जो हमारे पास minimum jerk trajectory आएगी वो कुछ इस तरह की होगी, जिसमें हमारे पास lines की direction basically orientation को show कर रही है। This was all from today's lecture and we will extend our discussion to waypoint navigation in the next lecture.